एसएचएम की शीट्स किनके पास नहीं है, ये रहा एक एसएचएम। ओके चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। एसएचएम के लिए जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो कंबाइंड पीडीएफ 111 से 117 का प्रिंट आउट निकालेंगे, शीट नंबर 111 से 117, इसमें सारी शीट्स मिलेंगी एसएचएम की आपको। देखो तो एसएचएम की स्टार्टिंग यहां से हुई थी कि पीरियोडिक मोशन से हमने स्टार्ट किया था। पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को जो है हर मान लो अपने आप को रिपीट करती है, और जो रेपिटेशन है उसका एक टाइम पीरियड है, और वो हर रेपिटेशन में सेम टाइम लेती है कैपिटल टी, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। किसी भी पीरियोडिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया जाता है। अगर कोई बॉडी मान लो एक स्प्रिंग है, टू एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, तो हम इमेजिन करते हैं कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। चाहे पेंडुलम है टू एंड फ्रो मूव करे, पर हम कंपेयर करते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह मूव करती है। जैसे पेंडुलम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर्कल में 1, 2, 3 और 4, तो इस तरीके से इसका कंपैरिजन रहता है। तो इसके अंदर जब वो सर्कल के साथ कंपेयर करते हैं, तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट वाई है और ये एंगल ओमेगा टी, स्टैंडर्ड एंगल सर्कुलर मोशन में से भी ओमेगा टी होता है, तो साइन ओमेगा टी वाई बाय ए, ए फॉर एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वाई की वैल्यू क्या आती है, ए साइन ओमेगा टी। और अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन से नहीं स्टार्ट होती, थोड़ी आगे से स्टार्ट होती है, मान लो फाई एंगल से स्टार्ट होती है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ए, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपके पास वाई की वैल्यूज है। तो नॉर्मली पेंडुलम में ये इक्वेशंस यूज होती हैं। एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी में से कुछ भी। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका पेंडुलम मान लो स्टैंडर्ड मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स राइट जाता है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स राइट जाता है, तो उसकी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी। अगर मान क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो अपने स्टैंडर्ड पोजीशन से स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आपके पेंडुलम की स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नहीं होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू आगे स्टार्ट हुआ, तो ये क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा। उसी तरीके से ये पेंडुलम अगर स्टार्ट अगर लेफ्ट की तरफ होता है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पोजीशन है, ऊपर से स्टार्ट हुआ तो प्लस पाई बाई टू, इधर से स्टार्ट हुआ तो प्लस पाई, तो प्लस पाई का मतलब माइनस ए साइन ओमेगा टी, पर हम ये करेंगे नहीं, हम तो सीधे लगाएंगे माइनस ए साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सट्रीम यहाँ से स्टार्ट होता है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये चार इक्वेशंस हैं। वाई इज इक्वल टू थ्री साइन ओमेगा टी में थ्री का मतलब एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसका फेज है, और थ्री साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स में ये इनिशियल फेज है और ये पूरे का पूरा फेज है, एक फेज है और एक इनिशियल फेज है। ठीक, नेक्स्ट है अगर y इज इक्वल टू थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस फोर साइन ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन गिवन हो तो आपने इसको वेक्टर से सॉल्व कर देना है। इसका जो हमने वेव ऑप्टिक्स किया हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि फाइव। उसी तरीके से अगर इक्वेशन थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस फोर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई सिक्स है, तो अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर टू इंटू थ्री इंटू फोर, रिजल्टेंट का फॉर्मला याद है एम्पलीट्यूड का वेव ऑप्टिक्स में, और कॉस ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाय सिक्स, कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स, तो यहां से आंसर आएगा। ठीक, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी यहां से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी में अंडर रूट ऑफ ए कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट के अंदर लेके आएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां से ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है वाई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुला याद करना है वी का, ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत आता है ये पेपर में इस फॉर्मुले के ऊपर क्वेश्चन, तो पक्का आता है मेंस और नीट में, एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको इसके ऊपर, 100% है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो वाई के साथ कैसे रिलेटेड होगी, ये फॉर्मूला है। तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉरी
ये तो एक सिंपल एग्जांपल है रादर, कि जैसे करके दिखाया इस फॉर्मूले को लेके, जैसे v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या ये फॉर्मूला वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू वन होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, ए ओमेगा। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पर वाई क्या होता है, जीरो। तो अगर आप वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में वाई को जीरो पुट करोगे, तो ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यानी कि मेन पोजीशन पर जब पेंडुलम क्रॉस करेगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर वाई क्या होता है, ए, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। सबको पता है कि एक्सट्रीम पे जीरो होती है। ये करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर इसको सर्कुलर मोशन से करना है, तो आप ये कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन में वी इज इक्वल टू ए ओमेगा करके वेलोसिटी है, आर ओमेगा की जगह ए ओमेगा, ओमेगा टी ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल 90 माइनस ओमेगा टी। वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट है, वी कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, वी साइन 90 माइनस ओमेगा टी, दैट इज वी कॉस ओमेगा टी। तो आपने नोट किया होगा, हम सब कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के लॉन्ग ए ओमेगा वी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा। पर करने की जरूरत नहीं है, वो हमने डिफरेंशिएशन से कर ही लिया, तो जरूरत क्या है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मुलाज अगर सफिशियंट, अगर याद है सफिशियंट है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्सेलेरेशन में वेलोसिटी लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके ये एक्सेलेरेशन आएगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी वाई होता है, तो ये वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये एस एच एम की इक्वेशन है, तो जिसमें एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल और डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन है। एस एच एम की इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर वाई को उधर ले गए, तो ये इक्वेशन है। एक्सेलेरेशन को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस एच एम है। तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इक्वेशन है, एक्सेलेरेशन को डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर रखा जाता है। एक्सेलेरेशन वाई इज इक्वल टू जीरो मेन पोजिशन है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, जीरो। वाई इज इक्वल टू ए एक्सट्रीम पोजिशन है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है। तो एक्सट्रीम पोजिशन पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है, मेन पोजिशन पर एक्सेलेरेशन जीरो है। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला नहीं भूलना, ये पक्का न्यूमेरिकल में आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर वाई मैग्नीट्यूड में, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बाई वाई, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड इज टू पाई रूट वाई बाई ए। इन जनरल जो है ये इक्वेशंस हैं। तो ऐसा हमने एनसीईआरटी में किया था, अगर आपको याद हो। यहाँ से कॉम्पिटिशन स्टार्ट भी नहीं होता है वैसे, आपको पता ही है, ये अभी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड आएगा इस पे क्वेश्चन, अभी करेंगे इसे सॉल्व। आसान आता है, एस एच एम अपनी रेंज में आता है वैसे मैं बता दूँ, और मतलब इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये स्कोरिंग है मेरे हिसाब से। अगर पढ़ाई पेपर करोगे तो इन शीट्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन होने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक, वेव भी बहुत आसान आता है, वेव्स तो मतलब बहुत स्कोरिंग है, वेव तो छोड़ना अपनी बेवकूफ़ी रहेगी। एक थर्मो, एक वेव, एक एस एच एम, ये तो आपको पार करवा ही देगा तीनों के तीनों, क्योंकि रोटेशनल में इतनी गारंटी, रोटेशनल कुछ भी आ सकता है ना यार, थोड़ा टफ भी बन सकता है, कोई रेंज बहुत ज़्यादा है उसकी। थर्मो वास्ट जरूर है, लेकिन वो लेवल में ऊपर नहीं इतना उठता। कैलोरीमेट्री आसान आती है, आप थर्मो का पूरा पेपर करके देखें, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे उसमें। एस एच एम करके देखें, वेव्स करके देखें, वेव तो बहुत ही मतलब सही आता है। वेव्स तो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, किस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने हैं ध्यान से पढ़ें। मैं अगर होता तो एस एच एम और थर्मो और वेव्स बहुत बढ़िया तरीके से करता, और इसीलिए रखा भी इसको एंड में हुआ था कि ये रिटेन भी रहेगा 15 दिन में, अगर पहले कर देते तो भूल जाता, इसलिए शुरू में छोटे छोटे चैप्टर कर लिए, अभी क्या ये मेन मेन चैप्टर्स हैं। तो ठीक है, एस एच एम वेव आज एस एच एम काफ़ी खत्म हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बड़ा है ही नहीं इसमें, तो प्रैक्टिस है सिर्फ। तो आपको याद होगा एक डेरिवेशन आती थी यूट्यूब वाली एनसीईआरटी में भी, कि अगर दोनों तरफ एच अमाउंट ऑफ वाटर है आपने डिस्टर्ब किया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जे। मैंने डेरिवेशन हटा दी, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया इसमें। नेक्स्ट है, एक बॉडी जब फ्लोट करती है, तो ये एच पोर्शन इसका इक्विलिब्रियम में डूबा हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई रूट एच बाई जे। तो ये इसका टाइम पीरियड है, जब इसको डिस्प्लेस करोगे टू एंड फोर मूव करेगी। फिर उसके बाद था टनल टिक कर दी, टनल टिक करके आपने बॉल को घेरा, तो मीन सेंटर पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे मूव करेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई रूट आर बाई जी, आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। कैसे हुआ, कुछ नहीं करना। एनर्जीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनर्जीज के ऊपर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, याद रखना फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई इज डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल होगी, काइनेटिक होगी, और टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ऐड करोगे तो हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ये तीन एनर्जीज आपने याद करनी है। ठीक, तो
इसमें ये बताया गया है कि एक पेंडुलम है, यहाँ पर वाई ए के इक्वल है, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम मेगा स्क्वायर इंटू वाई की जगह ए, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल है। काइनेटिक क्या है, यहाँ पर वाई की जगह ए पुट करेंगे, काइनेटिक जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि वाई जीरो है, और काइनेटिक की वैल्यू हाफ एम मेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, काइनेटिक इसमें मैक्सिमम आएगी, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम है। इसके बाद एक पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम, 2π√L/g, एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम जैसे एक स्ट्रिंग ली, एक डिस्क ली, डिस्क को आपने रोटेट किया, इलास्टिक वो स्ट्रिंग है, घुमाया फिर छोड़ दिया, तो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करेगी, ये टॉर्शनल पेंडुलम है। इसका ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज करते थे इसे, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, वैसे फोर्स क्या होता है, के एक्स, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। तो आई अल्फा होता है टॉर्क, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो आप इसे इक्वेट करें अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे ए प्रोपोर्शनल टू अगर वाई हो जाए तो वो जो है लीनियर एस एच एम है, और ये आपका एंगुलर एस एच एम है, एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन होती है ए की जगह अल्फा, ओमेगा की जगह थीटा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड अंडर रूट ऑफ के बाय आई। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड ओमेगा क्या होता है, 2π/T, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2π√I/K, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक। इसके बाद जो थी वो था डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग, अगर आपको याद हो डैम्पिंग पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, अब तो नीट में भी थोड़े बहुत आते हैं, पर नीट में ज्यादा नहीं आते, इसमें मेंस में डैम्पिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है, डैम्पिंग के ऊपर तो आ ही जाता है। तो डैम्पिंग की कुछ इक्वेशंस आपको याद करनी है। डैम्पिंग का मतलब एनर्जी का लॉस होना, हमने अभी जितने भी केस किए उसमें एनर्जी का लॉस हमने जैसे एयर की रेजिस्टेंस, वाटर की रेजिस्टेंस कुछ नहीं लिया, लेकिन एक्चुअल में तो होती है। तो एस एच एम की इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन डैम्पिंग के साथ ये इक्वेशन बन जाती है मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस सम कॉन्स्टेंट बी डैम्पिंग कॉन्स्टेंट इंटू वी फॉर वेलोसिटी। जितनी तेज पेंडुलम मूव करेगा डिसिपेटिंग फोर्सेस भी उतनी ज्यादा एक्ट करेंगी, और वो पेंडुलम या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। तो ये इक्वेशन याद रखनी है कि ये विद डैम्पिंग इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व किया जाए, हमने नहीं करना, अगर सॉल्व करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m और साइन ऑफ समथिंग, वेयर ओमेगा डैश की ये वैल्यू आती है। आपने क्या करना है, ये क्या चीज है, एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड अब सेम नहीं रहेगा, पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज्यादा, कम 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 कम, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए नॉट है ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के अंदर क्या हो जाता है, डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये फॉर्मुला याद करना है। और कभी कभी ओमेगा डैश जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई डैम्पिंग ना होती तो जैसे ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल पेंडुलम का, लेकिन अगर डैम्पिंग होगी तो ओमेगा डैश बन जाएगा, जिसकी ये वैल्यू आपको याद करनी है। दो फॉर्मूला याद करने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, फिर ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है। तो मैंने लिख दिया इसमें एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डैम्पिंग के साथ ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई 2m, तो आप चेक भी कर सकते हो एम्पलीट्यूड कम 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 होता जा रहा है। ठीक। इसमें और इसके अंदर क्या के बने, फोर्स्ड था, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें इन सर्टन सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स देयर इज येट अनदर फोर्स। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही है जो बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आती है, और एक है डैम्पिंग फोर्स जो बॉडी को डिसिपेट करती है, एक और फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगाऊंगा, ठीक, ताकि बॉडी पीरियोडिक मोशन में चलती रहे, क्योंकि डैम्पिंग तो उसको खत्म कर देगी पर मेरी फोर्स क्या करेगी, उसको मोशन में रखेगी, और मैं फोर्स को पीरियोडिक लगाऊंगा, कभी ज्यादा लगाऊंगा कभी कम लगाऊंगा। तो कितनी लगाऊंगा, एफ इज एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब डैम्पिंग भी है और अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन भी है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर कोई डैम्पिंग नहीं कोई फोर्स नहीं तो माइनस के एक्स, अगर विद डैम्पिंग है तो माइनस बी इंटू बी, और अगर फोर्स है तो फोर्स तो फायदा दे रही है नुकसान नहीं कर रही, तो प्लस में आएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी विद डैम्पिंग विद फोर्स,
इस इक्वेशन में ये पढ़नी आनी चाहिए, इसका मतलब डैम्पिंग है। इसे अगर सॉल्व करें तो मेरे पास एक्स की ये वैल्यू आती है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, और एम्पलीट्यूड आपने याद करना है, ये इतना बड़ा एम्पलीट्यूड आपको याद करना पड़ेगा, एफ नॉट बाई एम, ओमेगा स्क्वायर यानी कि अब की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और बी ओमेगा बाई एम, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मतलब हमने कैसे सॉल्व किया ये तो नहीं हम कराते इसमें प्लस वन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है, बट हाँ ये याद करना पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर ये बताया गया है कि इन फोर्स ऑसिलेशन द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स इज कंपनसेटेड बाई द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जितना डैम्पिंग नुकसान कर रही है उतना एफ इजिकल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी आपको फायदा कर रही है, ताकि वो मूव करता रहे एज इट इज। द ऑसिलेशन विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड आर देयरफॉर सस्टेन्ड, तो इसलिए एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रखा जा सकता है और ये खत्म नहीं होगी, ऑसिलेशन सस्टेन्ड रहेंगी। फिर बताया गया है इफ यू वेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अप्लाइड फोर्स एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम, वो कह रहे हैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा दिस इज दी ओमेगा की वैल्यू जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। हमने एसी में भी किया, जब एसी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है याद है करंट उसमें मैक्सिमम हो जाता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस हो जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये देखो ये एसी की तरह ग्राफ बन रहा है, देखो अगर डैम्पिंग छोटा है छोटी है तो ओमेगा डैश ओमेगा नॉट बराबर है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एंड रेजोनेंस अकर्स व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि आपने भी फोर्स की जो ओमेगा रखा और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है उसको रेजोनेंस बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड उसके इसमें मैक्सिमम आता है। तो इस ग्राफ से ये पता लग रहा है कि ये स्मॉल ये डैम्पिंग जो है इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा है और ये एम्पलीट्यूड इसमें छोटा है, तो इसमें ज्यादा डैम्पिंग होगी इसमें कम डैम्पिंग हो गई। इफ डैम्पिंग वर आइडली जीरो, डैम्पिंग है ही नहीं मान लो जी, कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन एट रेजोनेंस वुड बी इनफाइनाइट, तो कह रहे अगर डैम्पिंग नहीं है तो फिर एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, एंड इन्फिनिटी को यानी इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा झूला ले रहा है और वो झूलता हुआ इधर जा रहा है, आपने भी उठा के उसी फ्रीक्वेंसी इधर फोर्स, वो तो पहले उधर जा रहा है और आपने भी फ्रीक्वेंसी फोर्स ही उधर लगा दी, तो हो सकता है कि उसी रस्सी टूट जाए या वो झूले से आगे गिर जाए, आपने ज्यादा फोर्स लगा दी। डैम्पिंग छोड़ दो, एयर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि एम्पलीट्यूड बिकम्स लार्ज, एक पुल है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और हवा चली बहुत तेज, हवा ऐसे चली कि जब पुल नीचे जा रहा है या सोल्जर मार्च करते हुए आए तो उन्होंने पुल को नीचे कर दिया, वो पहले नीचे जा रहा था जोर लगा के और नीचे कर दिया, तो पुल कुछ ज्यादा नीचे चला गया और हो सकता है वो टूट ही जाए, तो एम्पलीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट। तो यानी कि सोल्जर्स की और ब्रिज की नीचे जाने की फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा और ओमेगा डैश या ओमेगा नॉट मिल गया, इसको एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट को बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। तो याद रखना रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है लार्ज, लार्ज को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कुछ पढ़ना नहीं है आपने, जरूरत नहीं है कुछ करने की, ये तो वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपको याद हो हम क्या करते थे असाइनमेंट, कर लेनी चाहिए क्योंकि यू नेवर नो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन डाल देंगे तो क्या करेंगे, तो सारा कुछ ही करेंगे ए टू जेड। तो इसके अंदर ऐसी कोई, अब तो आप वेव ऑप्टिक्स में वैसे एक्सपर्ट हो चुके, ये देखो ये क्वेश्चन आ गई 10 इनटू ओमेगा टी प्लस 5, याद है वेव ऑप्टिक्स जैसा ही तो है ये सेम, तो कंपेयर कर लो इसे, एम्पलीट्यूड क्या होगा 10, ओमेगा क्या होगा 20, इनिशियल फेज क्या होगा 0.5 रेडियंस, ओमेगा कितना है ओमेगा इज 20, ओमेगा होता क्या है 2π/T, तो यहां से टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, तो एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, हम वेव ऑप्टिक्स में कैलकुलेट करते ही आए हैं। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1, जब टाइम को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और इनिशियल वेलोसिटी इज पाई, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज पाई, तो एम्पलीट्यूड निकाल लो और इनिशियल फेज निकाल लो। तो आपने ये इक्वेशन लिखी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है 1 और टाइम की वैल्यू भी क्या है 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके आपके पास ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, फिर आपने टाइम को 0 पुट किया तो क्या बनेगा साइन फाई, और वी की जगह क्या पुट करेंगे पाई, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ए आ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है,
और डिवाइड कर लेंगे अगर साइन फाई बाई कॉस फाई, टेन फाई, टेन फाई की वैल्यू -1, तो फाई इज इक्वल टू -π/4, या मेडिकल के लोग इसको देखेंगे 3π/4 पे भी -1 होती है वैल्यू। तो कैसे करना है ये सॉल्व, समझ आ रहा है यहाँ तक कि आपने जो जो गिवन था, आपने आपको एक्स गिवन थी, आपको वेलोसिटी गिवन है, आपने टी को 0 पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वहां से क्वेश्चन लाके सॉल्व किया, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है इन SHM एम्पलीट्यूड 25 है, टाइम पीरियड 3 है, ठीक, ए पता है टी पता है, फाइंड मिनिमम टाइम फॉर अ पार्टिकल टू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से 12.5 इधर का मतलब एम्पलीट्यूड है, 12.5 इधर ये भी एम्पलीट्यूड है, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड है, मीन से इधर का एक्सट्रीम भी एम्पलीट्यूड है। तो वाई की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। वो क्या कह रहे हैं कि 12.5 सेंटीमीटर ऑन दी आइदर साइड, अच्छा सॉरी मैंने गलत ले लिया, एम्पलीट्यूड 25 है इसमें गिवन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड 25 है, लेकिन वो सिर्फ 12.5 गया, मतलब वो पूरा नहीं गया, 25 पे नहीं गया, 12.5 गया, तो ये वाई हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वाई हो गया। तो आपको टाइम बताना है कितनी देर में ऐसा हुआ, तो वाई की वैल्यू 12.5, एम्पलीट्यूड 25 है, ओमेगा इज 2π/t, तो यहाँ से हाफ आ गया, और साइन ऑफ एंगल हाफ कब होता है, जब एंगल क्या होता है π/6, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई। तो इतने टाइम में एक पार्टिकल मीन से 12.5 सेंटीमीटर इधर जाएगा। उसने कहा कि 12.5 सेंटीमीटर इधर से जाना है और इधर भी जाना है, तो ऑब्वियसली इधर से इस 12.5 से मीन पे आने पे टाइम कितना लगता है, 0.25, फिर मीन से अगला 12.5 जाने में 0.25, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, 12.5 से 12.5 जाने में डबल टाइम लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। जैसे वाई तक का है, नहीं वो ऐसे आया है, नहीं, वो ऐसे आया है, ये मीन है 12.5 है, 12.5 है, वो यहां से यहां आया है, वो ये कह रहे हैं आइदर साइड से, आइदर साइड ऐसे घूम के नहीं आया, एक ही बारी में गए, ठीक है ना, ठीक। वैसे SHM ज्यादा इजी है, मैं बता रहा हूं आपको, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे को तो हमेशा ये ठीक लगता, मेरे को सबसे बढ़िया यही लगता है, इसमें पढ़ना कम पड़ता है एक्चुअली, क्या है कि बस थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, उसके बाद तो बंदा खुद मतलब ठीक लगता है मेरे को, ये ना कोई फॉर्मूले का चक्कर है इसमें, ना कुछ है, बस वही लाइव है, जो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है, मतलब बंदा खुद ट्राई ट्रुई कर सकता है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत आता है यार नीट वालों को, तो बहुत ही आता है यार, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है यार ये, इन SHM नहीं ऐसे कई हैं, आप नीट के पेपर सॉल्व करेंगे आपको पता लगेगा कि शीट में से काफी कुछ NCERT बेस्ड है नीट, तो यार NCERT आप बहुत बेसिक चीजें कर जाओगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब इतना कह, डर को छोड़ दोगे अगर, बिना डर के करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सच में आसान है। मेंस में थोड़ा सा यार मुझे डाइसी लगता है, नेवर नो यार किसके सेट में क्या आ जाए मालूम नहीं है।
इन SHM बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक SHM के अंदर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, y1 y2 उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब वेलोसिटीज v1 एंड v2 है, तो जब डिस्प्लेसमेंट y1 है वेलोसिटी v1 है, जब डिस्प्लेसमेंट y2 है वेलोसिटी v2 है, तो टाइम पीरियड क्या है ये बताओ। तो वेलोसिटी और y का तो ये रिलेशन पता ही है, जब डिस्प्लेसमेंट y1 है तो वेलोसिटी v1 है, जब वेलोसिटी इसको स्क्वेयरिंग किया तो ये टर्म आ गई, ऐसी जब डिस्प्लेसमेंट y2 है वेलोसिटी v2 है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, ओमेगा आ गया, ये ओमेगा आ गया, यहां से सॉल्व करके ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा आंसर आ गया। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सेलरेशन SHM में एल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी SHM की बीटा है, एम्पलीट्यूड निकालो और टाइम पीरियड निकालो। मैंने कहा था याद कर लेना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, तो ए मैक्स कितना है एल्फा और वी मैक्स कितना है बीटा, इसे स्क्वेयरिंग कर लो, इक्वेशन नंबर 3 और 1 को डिवाइड कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को वैसे ही डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो यहां से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड क्योंकि ओमेगा आ गया, मतलब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक, इन SHM ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन, एंड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है जब 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन, वही चीज डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वाई गिवन है, टाइम पीरियड निकालना है, नहीं टाइम टेकन टू ट्रेवल 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक, वी का फॉर्मूला पता है वाई के साथ, तो जब डिस्प्लेसमेंट 3 है तो वेलोसिटी 4 है, जब डिस्प्लेसमेंट 4 है वेलोसिटी 3 है, इन्हें स्क्वेयरिंग करके अभी जो या इसको डिवाइड करके सॉल्व करके एम्पलीट्यूड और ओमेगा तो निकल ही जाएगा यहां से, ए और ओमेगा आ गया। उसने कहा कि मुझे एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, पर उसने टाइम क्या पूछा 2.5 का, 2.5 इज 5 इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा गिवन है 1 निकाल लिया हमने, तो यहां से साइन ऑफ टी इज हाफ, तो हाफ कब होता है पाई बाय 6 पे, तो यहां से टाइम आ गया, तो 12.5 सेंटीमीटर से टाइम में कवर करेगा वो, ओमेगा और ए आ गया, फिर तो आंसर आ ही जाएगा टाइम का। नेक्स्ट है स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 ग्राम वेट, व्हाट वुड बी द चेंज इन लेंथ व्हेन अ फोर्स ऑफ 500 ग्राम वेट फोर्स इज अप्लाइड। तो जब वो ऐसे लटका हुआ था तो mg इज इक्वल टू kx, तो यहां से k की वैल्यू तो आई जाएगी, ठीक, तो mg इज इक्वल टू x क्योंकि 60 सेंटीमीटर लंबा स्प्रिंग है और 2 सेंटीमीटर खींचता है, एक्सपेंशन हो जाती है जब 20 ग्राम वेट फोर्स लगती है, 20 ग्राम वेट का मतलब 20 × 980 डाइंस डिवाइडेड बाय एक्सपेंशन कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया CGS में। फिर वो कह रहा है कि बताओ चेंज इन लेंथ कितनी लगती है अगर इतनी फोर्स लगाएं, तो ठीक है mg बाय k तो हमने निकाल ही लिया, अब वेट की जगह क्या पुट करेंगे 500 ग्राम फोर्स, तो 500 × 980 आंसर आ गया, स्प्रिंग का ही क्वेश्चन है, सिंपल, छोटा नहीं है ये भी 61 पेजेस की असाइनमेंट है, टोटल 61 पेजेस कम तो नहीं होते, बट चलो इतने ज्यादा भी नहीं होते, ठीक है, बाकियों के तो मुकाबले ठीक ही हैं, थर्मो का तो 100 प्लस ही था, ठीक है, तो इसमें 19 नंबर पेज पे है अभी। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन SHM इज थ्राइस द पोटेंशियल एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम हो रही पोटेंशियल एनर्जी, कैंसल y और a की रेशियो आ गई आंसर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक, एनर्जीज को लेके, एट व्हाट टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड यानी कि y इज इक्वल टू a बाय 2 ऐसा कब होगा ये बताओ, और इस टाइम पर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल, तो एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट हाफ एनर्जी काइनेटिक है हाफ पोटेंशियल, टाइम भी बताओ और y भी बताओ, इसमें सॉरी जो है डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो देखो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, y की जगह a बाय 2 पुट कर देंगे तो काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल में y की जगह a बाय 2 पुट करेंगे तो पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई पोटेंशियल आ गई, टोटल एनर्जी हमारे पास है, उसने कहा रेशियो निकाल लो काइनेटिक एनर्जी की भी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की भी टोटल एनर्जी कब, जब y किसके इक्वल है a बाय 2, तो एक तो ये आंसर आ गया। फिर उसने कहा कि y डिस्प्लेसमेंट बताओ जब काइनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी सेम है,
तो जब काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है तो सॉल्व करके वाई क्या आ गया, प्लस माइनस ए बाई रूट आंसर। ठीक है यहाँ तक तो आंसर आ गया यहाँ पर। तो ये आपका एनसीईआरटी तक का कंटेंट था, जब के स्कूल तक आता है, एनसीईआरटी के बुक्स में आता है और आता है, ये कॉम्पिटिशन के अंदर एनसीईआरटी लेवल आता है। आप अगर अपने एमटीजी या सॉल्व करोगे ना पुराने पेपर नीट किया उसके, आप देखना इसी में से दो तीन क्वेश्चन मिल जाने आपको जो भी किए हमने, तो एक आध क्वेश्चन तो डालते ही, ऐसा नहीं है कि सारा पेपर मुश्किल है। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा अलग एंगुलर एसएचएम से। तो एंगुलर एसएचएम आपको याद होगा प्लस टू के अंदर भी रिवाइज करवाया था एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ था, बट भूल जाता है बंदा और कुछ नहीं है। लीनियर एसएचएम की इक्वेशन है ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो लीनियर एसएचएम में क्या करते थे हम, फोर्स से सारा काम करते थे, जैसे पेंडुलम है थीटा थीटा एमजी एमजी कॉस एमजी साइन, डिस्प्लेसमेंट वाई है, रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस माइनस लगता है रिस्टोरिंग के लिए माइनस एमजी साइन थीटा। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एंगल क्या होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस वाई बाय एल। तो एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको कंपेयर करके ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय। ये तरीका था करने का, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम टॉर्क से करेंगे। हम करेंगे ये वेट एम जी है, ये एल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, अगर ये एल है तो एल साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा माइनस फोर्स एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एल साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होता है आई इंटू एल्फा, और एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो पॉइंट मास है वो, पॉइंट मास का डिस्टेंस एक्सिस है एल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से एल्फा, एल्फा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयर करके ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी, आंसर सेम आएगा। हमने याद नहीं करनी डेरिवेशन, हम तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे टॉर्क से सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको एंगुलर एसएचएम बोला जाता है। जैसे ये आपके सामने दो मासेस हैं एम वन एम टू, एक का डिस्टेंस एल वन एक का एल टू, आपको इसमें टाइम पीरियड निकालना है, एंगल इसका थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा एम वन जी इंटू एल वन साइन थीटा, क्योंकि एल वन है ये थीटा एल वन साइन थीटा, और इसके लिए एम टू जी इंटू एल टू साइन थीटा। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पॉइंट मास का एम वन इंटू एल वन स्क्वायर एम टू इंटू एल टू स्क्वायर, ये पुट कर दिया, सॉल्व करके एल्फा आ गया, एल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो एल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयर करके किसकी वैल्यू आ गई ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय टी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ठीक, तो कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें इसे अपने एक नॉर्मल पेंडुलम से 2 पाई रूट एल बाई जी, एल बाई जी अगर इसे कंपेयर करें तो ये इक्विवेलेंट लेंथ आ गई, ये पूरी की पूरी को एल लिख सकते हैं तभी एल बाई जी बनेगा, तो ये इक्विवेलेंट लेंथ है, तो मतलब दो पेंट दो लेंथ की जगह एक लेंथ लगानी हो तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है फिजिकल पेंडुलम, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम, आज किया था टॉर्शनल, एक होता है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम में जैसे कोई भी आपने एक फोटो फ्रेम टांग दिया कील के साथ, उसको घुमा दिया, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है दीवार पे, ये फिजिकल पेंडुलम है। आपने क्या किया, एक डिस्क ले ली या एक रॉड, एक रिंग ले ली, रिंग को नेल के ऊपर टांग दिया, घुमा दिया, तो ये फिजिकल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है टू एंड फ्रो, बस सिंपल पेंडुलम में पॉइंट मास होता है, इसमें रिंग रॉड, रॉड को एक कोने को नेल से उसको हिट किया, टांग दिया दीवार से, मूव कर, फिजिकल पेंडुलम। ठीक, टॉर्शनल पेंडुलम वो नहीं था, टॉर्शनल टू एंड फ्रो ऐसे घूमता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरह, ऐसे नहीं चलता वो। ठीक, तो ये फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम को करने का तरीका कि ये इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस है जहां की रोटेशन हो रही है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, जो सेंटर में नहीं है कहीं और है, मान लो यहाँ पर था, आपने ऐसे मूव कर, पहले यहाँ पर था, आपने फोटो को ऐसे मूव करवाया, सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया, टोटल वेट है एम जी, थीटा एंगल घूमा तो थीटा, एम जी कॉस एम जी साइन, तो इसके अंदर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा इसके अंदर एम जी साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है डी, तो ये टॉर्क आ गया, टॉर्क क्या होता है आई एल्फा, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, ये फॉर्मूला याद करना है अंडर रूट ऑफ एम जी डी बाई आई, कौन ही बनाएगा इसे, तो अंडर रूट ऑफ एम जी डी बाई I, और वेयर d इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस, ये d है, मैं लगा के दिखाता हूँ ये करना कैसे है। जैसे आपको ना इसमें और d लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन o एंड सेंटर ऑफ मास, जैसे ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास ये रहा, यहाँ पर आपने नेल को टांग दिया, तो d क्या होगा इसमें r, सेंटर ऑफ मास और o के बीच में डिस्टेंस r है,
तो ओमेगा क्या होगा, एम जी डी बाई आई, डी क्या है आर, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रिंग का मोमेंट इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ये एक्सिस अगर शिफ्ट करेंगे तो 2 mr², तो आई की जगह 2 mr², तो ये ओमेगा की वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे लगाना है इसे? जैसे फिर देखते हैं, एक आपके पास रॉड है, ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास ये रहा पॉइंट, तो डिस्टेंस डी क्या बनेगा इसमें, हाफ लेंथ एल बाई टू, तो डी की जगह एल बाई टू, और मोमेंट इनर्शिया टेंजेंट एक्सिस के अबाउट क्या होता है रॉड का, एम एस स्क्वायर बाई थ्री, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप ओमेगा को निकालेंगे। एस एच एम के अंदर फोर्स ऑन दी पार्टिकल एफ वन है जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, एफ टू है जब ओमेगा टू है। अगर दोनों फोर्सेस इकट्ठी लग जाएं एफ वन एंड एफ टू, एफ वन प्लस एफ टू, तो ओमेगा बोलो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाई फॉर ऑल केसेस एंड मास रिमेनिंग दी सेम। तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो फोर्स होती है वो मास इनटू एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन एस एच एम में ओमेगा वन स्क्वायर वाई होता है। वैसे तो हर जगह माइनस आएगा, माइनस 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 हर जगह माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कैंसिल हो जाएगा। वैसे टोटल फोर्स हमने कितनी लगाई, एफ वन प्लस एफ टू, एफ वन की जगह मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एफ की जगह मास इनटू इसकी एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट वाई, तो यहाँ से मास वाई सब कैंसिल, ओमेगा इज 2π/T, 2π/T1, 2π/T2। ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/T², 1/T1² 1/T2², मेडिकल में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, कभी वैल्यूज के साथ आता है कभी एज इट इज आ जाता है, पर मेंस में भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है यहाँ तक। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकाल लें, तो ये स्प्रिंग जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है 2π√, सीरीज का फॉर्मूला। ऐसे अगर ये पैरेलल है तो K1 + K2। ये जो नेक्स्ट अरेंजमेंट है, मास के साथ दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, ये टू एंड फ्रो मूव करते, इसका टाइम पीरियड निकालना है। याद रखना ये जो अरेंजमेंट है K1 K2 का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है, ये सीरीज नहीं है। तो अगर स्प्रिंग इधर भी लगा है इधर, ये सीरीज नहीं माना जाता, ये पैरेलल माना जाता है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेंगे, K1 + K2 लेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है और साथ में एक इलास्टिक स्ट्रिंग है ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, टाइम पीरियड निकाल लो। तो हमने इलास्टिसिटी में किया था, यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स अपॉन एक्सपेंशन क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस क्या होता है, वाई ए बाय एल। अब क्योंकि ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज में K1 K2 / K1 + K2, एक स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, एक हमने यंग्स की फॉर्म में निकाल लिया, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को यहां पुट करेंगे, टाइम पीरियड आए। ठीक है यहां तक। एक स्प्रिंग है एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को वाई को के स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लिया। जैसे ये क्वेश्चन अभी थोड़े पहले भी किए थे कि अगर कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जाती है एट डिस्प्लेसमेंट ए, तो टाइम पीरियड कितना लगता है, T/4। लेकिन अगर वो A/2 पे जाती है हाफ की, तो T/8 नहीं लगता, डिवाइड नहीं करना, T/4 तक तो ठीक है, T/8 नहीं लगता। तो क्या लगता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y की जगह A/2, ए हाफ π/6, 2π/t, सॉल्व करके T/12 लगता है, ध्यान से, राइट। तो मतलब मीन से एक्सट्रीम तक तो T/4 का रिजल्ट बिल्कुल याद किया जा सकता है, पर क्वाड्रेंट के अंदर आपको इक्वेशन से ही सॉल्व करना है टाइम, ठीक। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से कोई बॉडी चलती है और आधे डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसका टाइम क्या होगा। अभी T/12 याद नहीं करना, जाने का टाइम T/12 है, आने का थोड़ा ना T/12 है। तो टोटल टाइम यहां से यहां कितना लगता है, T/4। यहां से अगर बॉडी चलती है तो कितना टाइम लेती है, T/12। तो बचा हुआ टाइम क्या होगा, T/4 - T/12, यानी कि T/6, क्योंकि टोटल तो T/4 होना चाहिए। ठीक है यहां तक। सेम क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है अगर माइनस नहीं करना। हमने आज के लेक्चर में किया था, अगर कोई एक्सट्रीम पोजीशन से पेंडुलम स्टार्ट होता है तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, y अगर हम, अब क्योंकि इक्वेशन वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो y की जगह A/2, तो ये हाफ हो गया, cos थीटा हाफ कब होता है, π/3, ओमेगा इज 2π/t, आंसर सेम आएगा। मतलब चाहे इक्वेशन से करो चाहे माइनस करके करो, बात एक ही है। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था अभी, सेम। अगर दो बॉडीज और एक स्प्रिंग है, M1 M2 और एक स्प्रिंग है K, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। हमने एक स्प्रिंग एक मास का तो किया, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π√μ/K, where μ is reduced mass of the system, इसको कपल्ड ऑसिलेशन बोलते हैं,
और म्यू का फॉर्मूला होता है m1 m2 by m1 plus m2, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपके पास दो मासेस है m एंड m और ये डायमीटर के अलोंग पड़े हुए थे और ये दो स्प्रिंग है ऊपर भी और नीचे भी। मैंने क्या किया, इनको ऊपर ले गया तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो ये स्प्रिंग उतने अमाउंट से एक्सपैंड हो गया, कितना हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया और आपने पाई बाय सिक्स कर दिया। तो पहले उसने पूछा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। अब इन जैसे वो वायर्स याद है, ये वायर पैरेलल में होती थी दो पॉइंट्स के क्रॉस, ऐसे ही ये स्प्रिंग में किस में होंगे, इन पैरेलल होंगे, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के आएगा। फिर जब आप इसको रिलीज करोगे तो एक काम करना है, आपने ये मानना है कि ये दो मासेस के बीच में एक स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग नहीं है, क्योंकि दो स्प्रिंग का एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया 2k, और जब एक स्प्रिंग और दो मासेस है तो म्यू बाय के, म्यू क्या होगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये आ गया m/2, और k की जगह क्या पुट करेंगे 2k, दो की जगह एक स्प्रिंग आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर इसको रिलीज कर दिया हमने, जब हमने इसको रिलीज किया और छोड़ दिया तो हमने यहां पर वेलोसिटीज निकालनी है, v क्या होंगी जब इसको क्रॉस करेगा मीन पोजीशंस को। तो एनर्जी कंजर्वेशन है, आपने इन्हें कितना एक्सपैंड किया हुआ है, पहले स्प्रिंग को हाफ के y1 स्क्वायर और दूसरा हाफ के y2 स्क्वायर, नहीं ये सही नहीं है मुझे लगता है, कुछ इसमें गलती थी क्या, लास्ट चेक करना शीट में, कुछ करेक्शन करवाई थी जिनके पास है, नहीं ट्वाइस आना चाहिए मेरे को लगता है ये, क्योंकि पहला स्प्रिंग कि जो पहला स्प्रिंग इधर से y1 गया, पहला स्प्रिंग इधर से y2 गया, ठीक है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो y1 प्लस y2 हो गई ना कंप्रेशन, और मैंने हाफ के y1 स्क्वायर अलग लिया, हाफ के y2 स्क्वायर कुछ अलग लिया, तो मेरे को ये थोड़ा ये सही नहीं लग रहा यार, ऐसे मुझे ऐसा लेना चाहिए कि जो पहला स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हो गया y1 प्लस y2 और दूसरा भी कितना एक्सपैंड हो गया y1 प्लस y2, तो हाफ के इंटू y1 प्लस y2 का स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू y1 प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा कुछ करना चाहिए, गलत है, क्रॉस कर लेना इसे, सही नहीं करना इसे। ये देखो ये स्प्रिंग का क्वेश्चन बड़ा हर बुक में गिवन होता है, तीन तीन स्प्रिंग वाला।
तीन स्प्रिंग्स है, एक दो तीन, एक मास है, ध्यान आगे, तीन स्प्रिंग्स हैं, एक मास है, और इसको हमने क्या किया, नीचे कर दिया और छोड़ दिया। जब इसको नीचे किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां डेवलप हुई, ऊपर एफ ए, और जब इसको नीचे किया ऑब्वियसली इधर खिंच गया होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेके जाएगी एफ बी और इसे एफ सी। तो हमारी जो मोशन है वाई एक्सिस में, तो हम क्या करते हैं इसमें कि अगर ये वाई है, 45 45 क्वेश्चन में गिवन है, तो एफ बी का वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, एफ बी कॉस 45, एफ सी कॉस 45। तो एक फोर्स तो एफ ए की ऊपर रिस्टोरिंग काम कर ही रही है, और वाई एक्सिस में एफ बी कॉस 45 एफ सी कॉस 45 भी काम कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर है यहां तक, एक्सिस तो देखो फोर्स तो वेक्टर है ना, तो एक एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, या आई कैप जे कैप में चलेगा। तो हमने तो वाई एक्सिस ले लिया, क्योंकि एक्स के कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स के कॉम्पोनेंट इसके कैंसिल है, सिर्फ वाई की फोर्स बच जाएगी। तो पहले स्प्रिंग को भी ऊपर जाना है और बाकियों को भी ऊपर जाना है, तो ये क्लियर है। अब ए स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया था वाई, तो फोर्स क्या आई थी, के वाई, के वाई। जो दूसरा स्प्रिंग है उसकी, उसको कितना एक्सपैंड किया था, वो कैलकुलेट करने के लिए वापस यहीं पे चलते हैं। इसको हमने कितना खींचा था वाई, 45 45 45 45, तो ये एक वेक्टर क्या आएगा, वाई कॉस 45, यानी कि ये वाला इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y cos 45। सिमिलरली इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y cos 45। तो y नहीं होगी, y cos 45 होगा। तो आप चेक कर सकते हो, fb की जगह k टाइम्स y cos 45, fc की जगह k टाइम y cos 45। इसे सॉल्व करेंगे, फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, इसे कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर y के साथ, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब हर बुक में आपको मिलेगा ऐसा। ये भी एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत आता है यार मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में ही, कि आपने एक स्प्रिंग लिया, नीचे मास m1 लिया, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी, और ऊपर m2 लिया, आपने इसको टू एंड फ्रो मूव करवाया, आपको ओमेगा निकालना है सच दैट m2 एंड m1 डू नॉट सेपरेट। तो m2 m1 इकट्ठे रहें ड्यू टू फ्रिक्शन, सेपरेशन होने का चांस कहां पर होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये चलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मीन पर, मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होती है। तो एकदम तेजी से भागेगा नीचे वाला ब्लॉक, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो अगर ये बहुत तेज भागेगा तो सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स गिरेगी इसे, कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो सूडो फोर्स कितनी लगी, देखो m2 जब इधर जाएगा, जब मान लो या m2 ठीक है इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, m2 into ए मैक्स, कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ी हुई m2 सूडो फोर्स से, तो बच जाएगा, ये साथ ही मूव करेगा, नहीं सेपरेट होगा। तो ए मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, कट गया m2 ओमेगा का आंसर। तो कंडीशन समझ में आ रही है कि कैसे कंडीशन बनेगी इसमें, ठीक। आपको ना एक स्प्रिंग गिवन है और एक ये सिलेंडर गिवन है जिसका एरिया ए है, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब बॉडी यहाँ तैर रही थी, आपने एक्स डिस्टेंस नीचे कर दिया वाटर के अंदर, अब सब सेट करेगा इस पे, फाइन टेंशन टी, नहीं फाइन टाइम पीरियड टी, सॉरी एस एच एम है, टेंशन नहीं है, फाइन टाइम पीरियड टी, टी टेंशन लगा मुझे, लगा टेंशन है, वो टाइम पीरियड होगा क्योंकि मैं भूल गया एस एच एम चल रहा है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक तो क्योंकि नीचे खींचा तो स्प्रिंग की फोर्स होगी, एक तो कितनी kx, और एक एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट। एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि पहले का अप थ्रस्ट तो वेट को वैसे बैलेंस कर रहा था, एक्स्ट्रा कितना, जितना एक्स्ट्रा आपने डुबो दिया, कितना डुबोया x, तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर इज अप थ्रस्ट होता है।
तो इस पोर्शन में कितना पानी डिस्प्लेस किया, ए इंटू एक्स इसका वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, अब थ्रस्ट पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज करते हैं, तो ये फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन, कंपेयर कर लेते हैं ओमेगा के साथ, ओमेगा आ गया, ओमेगा से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि आप जब इसको पूरा नहीं आएगा ना, क्योंकि पूरा आप थ्रस्ट जो पहले का आप थ्रस्ट था वो तो वेट को इक्वल किए बैठा था, तो बॉडी तो तैर ही रही थी, वो तो आप जबरदस्ती जितना और पुश करोगे, अब बॉल स्विमिंग पूल में तैर रही है, आप जबरदस्ती नीचे करते हो तो उछल के बाहर आती है, क्योंकि आप जबरदस्ती और उसका अननेसेसरी पानी डिस्प्लेस कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा थ्रस्ट ही आएगा जो एक्स पोर्शन डिस्प्लेस करेगा, वही इसको वापस रिस्टोर करवाएगा, क्योंकि उसके बाद वो ऐसी तैरेगी यहाँ पे आके, हवा के बाहर तो आएगी नहीं, अब थ्रस्ट तो बाद में भी यह काम कर रहा था, ठीक है ना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये भी यार प्लेटफॉर्म वाली प्रॉब्लम आती होती है, एक प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है ऐसे, ऊपर नीचे, एम्पलीट्यूड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है व्हेन प्लेटफॉर्म इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ओमेगा आपको गिवन है, तो एक काम करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हैं, ये रहा वेट मैन का एम जी, ये प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन एन वन, तो एन वन प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, सारी फोर्सेस को इक्वेट कर दिया आंसर। अब वो कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो जब वो नीचे के एक्सट्रीम से ऊपर आ रहा है, जब वो ऊपर आ रहा होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है एक्सट्रीम पे, ऊपर की तरफ से सूडो फोर्स, नीचे मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन टू, एन टू इज इक्वल टू एम जी प्लस एम आर एम ए ओमेगा, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा और ऊपर मिनिमम होगा, ठीक है यहां तक, तो ये सिचुएशन रहेगी। There are two pendulums with time period t and 5t by 4. दो time periods हैं. Find phase difference between two pendulums when bigger pendulum has completed one oscillation. तो एक चीज देखें इसमें, दो pendulum का time period t है और एक का 5t by 4 है. यानी कि एक अपना चक्कर पूरा करता है t में और दूसरा थोड़ा ज्यादा time लेता है. कितना time लेता है ज्यादा? Minus करके देखें t by 4. t by 4 correspond to phase of pi by 2. t का मतलब होता है 2 पाई, t by 2 का मतलब होता है पाई, t by 4 का मतलब पाई by 2, तो पाई by 2 फेज डिफरेंस का क्या फर्क होगा, पाई by 2 आंसर, ठीक है यहां तक। दो SHMs आपको गिवन है, y1 और y2 की इक्वेशंस गिवन है, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज निकाल लो, बहुत आता है मेन नीट में ये भी क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज निकाल लो, तो आपको y1 y2 गिवन है, आप इसे डिफरेंशिएट करें तो आपके पास v1 आएगा, ये आएगा, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास v2 आएगा, तो v1 आएगा और v2 आएगा, दो बॉक्सेस में v1 v2 आ गया। फेज डिफरेंस क्या होगा, ये भी cos है ये भी cos है, तो इस एंगल में से इस एंगल को क्या कर दें, माइनस, माइनस करेंगे जो आंसर आएगा फेज डिफरेंस होगा, पर एक बार आपको कैलकुलस के साथ डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉडी इन SHM इज वी मैक्स, एवरेज स्पीड निकाल लो, तो ये पेंडुलम है ए ए ए ए मूव करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो स्पीड में टोटल डिस्टेंस 4a बाय टोटल टाइम, एक चक्कर का क्या होगा टी, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ गया, ए ओमेगा क्या होता है वी मैक्स, ठीक है यहां तक। देयर आर टू SHMs ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड 2 ओमेगा, ठीक है, तो दो SHM है, एम्पलीट्यूड ए और फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ओमेगा, और इम्प्रेस्ड ऑन अ बॉडी एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, तो ठीक है एक एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एम्पलीट्यूड ए है दोनों का। इफ इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHM इज पाई बाय 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट पाथ, तो एक एक्स एक्सिस में काम कर रहा है एक वाई एक्सिस में काम कर रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी ए की ओमेगा ए की 2 ओमेगा, एम्पलीट्यूड रिमेनिंग दी सेम, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2, तो जो एक्स एक्सिस है हम मान लेते हैं उसकी इक्वेशन है ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वाई एक्सिस में ए साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है, पर इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2, तो इसमें वाई की वैल्यू इसको ओपन कर लिया 2 sin ωt cos ओमेगा टी साइन 2θ का फॉर्मूला, लेकिन x की वैल्यू क्या किसके इक्वल है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, जिसको लिख सकते हो a cos ओमेगा t, क्योंकि 90 प्लस थीटा इज cos, तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई,
यहां से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई एक्स बाय ए। अब वाई किसके इक्वल था, वाई की वैल्यू थी 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को ऐसे रखा साइन को 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी एक्स बाय ए यहां और यहां पुट की तो वाई और एक्स का रिलेशन आ गया। मेडिकल में तो नहीं आता, नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है तो आप लोग करते हो ना ऐसे ट्रिग्नोमेट्री और सब कुछ, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेडिकल में तो नहीं आता। अ मास एम एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, एक मास एम एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहे विद एम्पलीट्यूड ऑफ ए सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एल्फा इंटू एक्स की पावर 4। एक्स बताओ जब पोटेंशियल इज 1/3 टाइम्स काइनेटिक, अब पोटेंशियल एल्फा इंटू एक्स रेज टू पावर 4 है, अगर एक्स ए है ना मैक्सिमम है तो एनर्जी को टोटल एनर्जी बोलेंगे, तो यहां से क्या आ गई टोटल एनर्जी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो एनर्जी टोटल हो जाएगी। तो काइनेटिक क्या होती है, टोटल में से पोटेंशियल माइनस करें, टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दिया काइनेटिक आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोटेंशियल इज 1/3 टाइम्स काइनेटिक, पोटेंशियल पता है 1/3 टाइम्स काइनेटिक पता है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आएगी। बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है ये भी मेंस में। ठीक, तो फंक्शन दे दिया एक्स को ए पुट करके टोटल निकाल लिया, टोटल में से पोटेंशियल माइनस किया तो काइनेटिक आ गई। पॉइंट क्लियर है यहां तक? बहुत है 32 आधी आधा 50% हुआ है अभी 50, इतना रिवाइज कर लो फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट कर देंगे। और वेव्स के लिए 3 लेक्चर चाहिए होंगे, वेव लंबा है थोड़ा, वेव्स में तो 3 या 4 लेक्चर्स तक लगने चाहिए, 3 लेक्चर तो कम से कम है ही है वेव्स के, तो वेव्स मतलब इस हफ्ते नेक्स्ट टाइम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।